एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और मैं आज आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ रिगार्डिंग दैट ऑफ हरियाणा कॉलेज एडमिशन। जो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब फॉर्म आप पहले फिल कर चुके हैं और अब उसकी मेरिट लिस्ट अब आ चुकी है, तो आप कुछ टाइप से मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करें इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको इसे ऑनलाइन पोर्टल में अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखने के लिए dheadmission.nic.in ये लिखना होगा गूगल पे, और उसके बाद में ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल को आपको ओपन करना होगा। जब ऑनलाइन ओपन करेंगे तो देखिए होम, डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज, व्यू सीट मैट्रिक्स अपडेट, फैमिली आईडी, मेरिट लिस्ट, और आप इस मेरिट लिस्ट में जाएंगे और मेरिट लिस्ट को क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में आपने जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, जैसे आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में, जैसे ये क्लिक कर रही हूँ, कोर्स कौन से कोर्स में करना है, बीएससी जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया था वो कोर्स करेंगे, और सेलेक्ट सिलेक्शन बीएससी नॉन मेडिकल एडिड या फिर सेल्फ फाइनेंस, तो जो इस पे भी है, और उसके बाद में आप मेरिट लिस्ट पे सर्च दबा देंगे। सर्च दबाएंगे तो उसमें आपकी मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको जो भी आपका जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें, जैसे ये देखिए ये मेरिट लिस्ट आ गई है और इसमें एग्रीगेट परसेंटेज भी बन के आ गई है, कितनी कितनी वेटेज है, तो ये इस टाइप से मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और आप मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देख लेंगे, और अगर नाम आ गया है तो आपको 5 अक्टूबर तक इसकी फीस जमा करानी है, और अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो आप सेकंड लिस्ट देखेंगे जो 8 अक्टूबर को आएगी। और जब देखिए ये है फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट वैलिड अप टू 5 अक्टूबर, और इसकी फीस ऑनलाइन जमा ना होकर आपको कॉलेज में जाकर ही फी को सबमिट करना होगा। तो ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।